के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8-bit टीवी वीडियो गेम रिपेयर कैसे करें फ्रेंड्स, और आखिर ये वीडियो गेम ख़राब क्यों हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे कुछ टिप्स आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो की मदद से आप अपने घर पर ही अपने वीडियो गेम को रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कभी ना कभी आपने अपने बचपन में इस टाइप के वीडियो गेम ज़रूर खेले होंगे, जैसे भाई आप मारियो के नाम से काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, मैं अभी यहाँ पर अपने टीवी पर एक मारियो प्ले कर रहा हूँ, और मेरे पास भाई देखो काफ़ी सारे वीडियो गेम अभी रखे हुए हैं फ्रेंड्स, ओल्ड वाले। ये मैंने कबाड़ मार्केट से ख़रीदा था, और लगभग सारे ही मैंने कबाड़ मार्केट से ख़रीदे हुए हैं। तो भाई अभी हम थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं जंगल मारियो, जिसे मैं जंगल मारियो बोलता था क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जंगल टाइप का आता है और फल फ्रूट काफ़ी सारे आते हैं, हालांकि इसका नाम कुछ और होगा। तो थोड़ा सा हम इसको खेलेंगे, फिर आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स इसको रिपेयर कैसे करें। तो भाई थोड़ा सा हमने खेल लिया, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इनमें फ्रेंड्स प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है और आप अभी रिपेयर कैसे करने वाले हो। तो फ्रेंड्स देखिए, जो प्रॉब्लम आती है वो आती है फ्रेंड्स, सब में ज़्यादा आने वाली प्रॉब्लम जो है फ्रेंड्स वो आती है हमारे एडाप्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो ये वाले जो वीडियो गेम है 9-volt एडाप्टर से चलते हैं, और ये सेगा वाले भी 9-volt एडाप्टर से चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन दोनों का एम्पियर अलग अलग होता है, ये आपको इतना पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना पता हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा बकवास नहीं बताऊँगा, ज़्यादा टेक्नली चीज़ें यानी टेक्नली आपको नहीं समझाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उस पर मैं फुल डिटेल आपको आगे बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ इसलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका एडाप्टर से प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कहाँ कहाँ चेक करना है, मैं आपको सिंपल सी टिप्स देता हूँ। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स आपका एडाप्टर खोलना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरे पास 9-volt का एडाप्टर है, इस ये जो आप देख रहे हो सामने, इसका ओरिजिनल वाला मिटासी का। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एडाप्टर खोलना है। खोलने के बाद आपको फ्रेंड्स करनी क्या है, वायर चेक करनी है, आपकी वायर टूटी तो नहीं है, जैसे कि ये अभी मेरे इसमें टूटी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस सर्किट से आपको यहाँ चेक करना है। होता क्या है फ्रेंड्स, कभी कभी वायर वीक हो जाती, टूट जाती है, नहीं तो फ्रेंड आपको ऊपर से साबुत दिखेगी लेकिन अंदर से टूट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक हो गया ये। दूसरा आपको चेक करना है यहाँ पर आपकी आउटपुट वाली जो ये वायर है, इसमें से कहीं ना कहीं वायर तो नहीं टूटा। ठीक है फ्रेंड्स, एक ये प्रॉब्लम ये हो गई। एक प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, ये आपका कैपेसिटर फूलना, अगर ये कैपेसिटर फूल जाता है, जिस वजह से हमें फ्रेंड्स प्रॉपर यहाँ पर पावर नहीं मिलती है, पावर प्रॉपर नहीं मिलेगी तो आपका जो गेम है ऑन नहीं होगा, कभी ऑन होगा कभी नहीं होगा, इस तरह की प्रॉब्लम देता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा ये पूरा सब कुछ सही है, वायर भी जुड़ा है, कैपेसिटर भी सही है। और फ्रेंड्स देखिए, पुराने जो एडाप्टर होते थे उनमें लाइट नहीं होती थी, मेरे पास ये लाइट वाला एडाप्टर है, हमने सब कुछ चेक कर लिया और हमारे एडाप्टर में प्रॉपर लाइट भी आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, इस टाइप का जो वायर होती है, वायर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस टाइप से मोड़ मार के रख देते हैं, यूँ कहीं ऐसे ऐसे मोड़ मार के रख देते हैं फ्रेंड्स, तो इनमें होता क्या है, अंदर से वायर डैमेज हो जाता है, तो फ्रेंड्स जिस वजह से हमें यहाँ पर पावर ही नहीं मिलती। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे यह मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आ जाओ। तो भाई मेरा मल्टीमीटर वहाँ रखा हुआ है, मैं मल्टीमीटर उठा लेता हूँ, और फटाक से कुछ नीचे गिर गया, तो ये मेरा वीडियो गेम गिर गया। देखो, आपके वीडियो के चक्कर में मेरा गेम गिर गया, मेरी गलती से गिरा, आपकी गलती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स होता क्या है कि सबके पास भाई मल्टीमीटर नहीं होता। तो हम देखिए इसको चेक कहाँ करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, दो प्रोब होती हैं और आपके मल्टीमीटर को आपको DC रेंज पर 20-volt पर सेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक पिन आपको यहाँ लगानी है ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता इसका प्लस माइनस उल्टा होता है तो आपको ऊपर लगाना है, और एक अंदर डालनी पिन। तो आप देख सकते हो 9-volt प्रॉपर आ रहा है। एक तरीका फ्रेंड्स ये होता है चेक करने का। दूसरा तरीका फ्रेंड्स, ये एक मोटर है, क्योंकि फ्रेंड्स सबके पास जो है मल्टीमीटर नहीं होते, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो फिर आपको क्या करना है फ्रेंड, 10 से 5 रुपये की आपको ये मोटर लेनी है, मार्केट में इजीली मिल जाती है, उसमें लगाने दो वायर, और फ्रेंड्स वायर को करना है इस तरह से कुछ आपको चेक, तो जिससे कि आपको पता चलेगा आपका जो एडाप्टर है सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक वायर आपको अंदर डालना है,
और एक वायर आपको ऊपर से टच करना है। तो देखो अभी मोटर बंद है, अब ये चालू हो गई, घूमने लगी। इसका मतलब है फ्रेंड्स, ये जो मेरा एडाप्टर है 100% वर्क कर रहा है यहाँ से भी, और इसकी वायर भी एकदम अच्छी है, और यहाँ पर पूरा प्रॉपर मुझे वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पर हमारी सोल्व होती है। तो वीडियो को अभी मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो ये जो मैंने टिप्स आपको बताई वो अप्लाई होती है इस पर भी और इस पर भी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों गेमों का स्ट्रक्चर सेम होता है लगभग। आगे में फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैं 8-bit TV वीडियो गेम के काफ़ी सारे पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो टिप्स बताने वाला हूँ वो सारे गेमों पर अप्लाई हो सकती है फ्रेंड्स, चाहे वो आपके पास न्यू मॉडल हो या इस टाइप का हो, या बिल्कुल बच्चा इस टाइप का हो। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर सेगा मेगा ड्राइव क्यों ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इन सब का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, दोनों दो बटन इसमें होते हैं, दो बटन इसमें होते हैं, और दो बटन इसमें हैं, सब में इसमें भी हैं, और दो बटन ही आपको इस टाइप के वीडियो गेम में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पीछे से भी सेम होते हैं लगभग, सब कुछ सेम होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, यहाँ पर हमारी पावर जो है प्रॉपर आ रही है। अब फ्रेंड्स होता क्या है, देखो हमने इसको लगाया, अब मैं इसको देखिए फ्रेंड्स बंद चालू करता हूँ गेम को, तो कभी कभी बंद चालू यहाँ पर नहीं होता। अभी इसमें भी प्रॉब्लम थी, देखो अब मैं इसको कर रहा हूँ, ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा, हालांकि प्रॉपर इसमें आ रही है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, देखो मैं अभी इसमें बार बार लीड लगा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, और आप टीवी पर देखो, लगा रहा हूँ निकाल रहा हूँ, ये देखो। तो इसमें देखो फ्रेंड प्रॉब्लम आती कहाँ है, ये मेरे पास एक सर्किट है जो कि 8-bit TV वीडियो गेम का है, इसके अंदर सेम होती है, इसके अंदर सेम होती है, इसके अंदर सेम होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम इसको बार बार निकालते लगाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लोग कंपनी वाले जो यहाँ पर सोल्डर अच्छे से नहीं करते हैं, जिस वजह से लोकल वीडियो गेम का मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एक ब्रांडेड गेम आपके पास है तो वो अच्छे उसका हर पार्ट्स अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम इसको जब लगाते निकालते हैं तो होता क्या है, कई बार इसकी ये पिन अंदर वाली आप जो देख रहे हो, ये फ्रेंड्स काफ़ी अंदर दब जाती है, और ये हमारा गेम एकदम, यानी ये जो पिन है लूज़ हो जाती है यहाँ से, इस तरह से ये काफ़ी इसमें गैप आ जाता है, तो ऐसे ही निकलने लगती है, ऐसे ही लगने लगती है, और कभी कभी फ्रेंड्स ये प्रॉपर टच नहीं हो पाती, जिस वजह से इसको हम थोड़ा बहुत हिलाते हैं तो ये काम करने लगता है। एक प्रॉब्लम फ्रेंड्स हमारी यहाँ से सॉल्व होती है, दूसरी प्रॉब्लम जो है हमें यहीं से आती है। होता क्या है फ्रेंड्स, देखो हमने इसको लगाया, और कभी इसको झटके से निकालते हैं या बार बार निकालने लगाने से फ्रेंड्स, कभी कभी ये जो आप ट्रैक देख रहे हो हरी हरी, ठीक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये सोल्डर है, तो फ्रेंड्स देखिए ये सोल्डर यहाँ से उखड़ जाता है, यानी अपनी प्रिंट से ये सोल्डर उखड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस वजह से यहाँ तक इस सॉकेट तक तो पावर आती है, लेकिन आगे पावर नहीं जा पाती। तो इस कंडीशन में आपको अपने गेम को खोलना है, खोलने के बाद फ्रेंड्स आपको इस सर्किट को चेक करना है, कहीं आपको ये सॉकेट तो डैमेज नहीं है, अगर डैमेज है तो आप इस कंडीशन में आप इसको चेंज कर सकते हो। ये 10 से 5 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सोल्डर टूटा है या सूखा है तो आप इसको पेस्ट डालकर अच्छे से रीसोल्डर कर सकते हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। अब अगला जो प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स, वो आता है हमारे इस स्विच से, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आप पावर का स्विच देख रहे हो, इसमें भी पावर का स्विच है, तो मेरे पास एक पावर स्विच वाला सर्किट बोर्ड है, देखिए फ्रेंड्स 8-bit TV वीडियो गेम का। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, देखो अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये हमने पिन लगाई, यहाँ से हमारा पावर यहाँ से यहाँ तक पूरा आया। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आके हमारे स्विच तक आ गया, लेकिन फ्रेंड्स देखो यहाँ पर आप ये पिन देख रहे हो, अगर ये फ्रेंड्स हमारा स्विच काम नहीं करेगा इस कंडीशन में भी फ्रेंड्स, हमारे जो गेम की लाइट है वो नहीं जलेगी, हमेशा बंद रहेगी, और ना ही आपका जो टीवी का डिस्प्ले है यहाँ पर आपको कुछ शो होगा, क्योंकि फ्रेंड्स पावर तो प्रॉपर आ रहा है, लेकिन हमारी जब तक ये आईसी को पावर नहीं मिलेगी तो हमारा गेम ऑन नहीं होगा। इसको पावर मिलेगी कहाँ से फ्रेंड्स, इस स्विच से। तो इस स्विच में क्या होता है फ्रेंड्स, हम जब इसको बार बार बंद चालू करते हैं, इस तरह से बंद चालू करते हैं जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स कार्बन आ जाता है, या धूल वूल भरने की वजह से, आप देख रहे हो उस पर कितनी सारी धूल हो रही है, तो जिस धूल वूल भरने की वजह से इसमें फ्रेंड्स कार्बन जम जाता है, और इसकी जो पिनें हैं फ्रेंड्स आपस में शॉर्ट नहीं होती, जिस वजह से हमारा ये पूरा गेम ऑन नहीं होता। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स देखो आपको करना क्या है, लेना है इस टाइप का एक लोहे का स्क्रू ड्राइवर वगैरह, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको लगा देनी है अपनी ये वाली लीड, पावर वाली लीड, इसको चालू रखना है और पावर को भी चालू कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स, सॉकेट से, क्योंकि इसमें 9 वोल्ट होता है फ्रेंड्स, तो हमें करंट नहीं लगता, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप आपको ये देखो ये स्विच की जो पिने हैं पीछे साइड, इसको आपस में इस तरह से शॉर्ट कर देनी है और आपको पिन लगा देनी है ऑडियो वीडियो की अपने डिस्प्ले पर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके गेम में इस टाइप की लाइट लगी होगी तो आपकी लाइट जल जाएगी इन पिन को शॉर्ट करते ही। और अगर फ्रेंड्स आपने ऑडियो वीडियो पिन लगा रखी है जैसे कि मैंने इसमें लगा रखी है, तो आपके डिस्प्ले पर आपका ये आ जाएगा। एक चीज़ और आपको करना है, नहीं तो फिर आप कहोगे कि भाई हमने सब कर लिया तो फिर भी हमें गेम ऑन नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स ये सब करते वक्त आपको ये कैसेट भी इसमें लगा लेनी है, तब जाके आपका डिस्प्ले पर आपको गेम शो होंगे यहाँ पर। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया, ये प्रोसेस आपको कैसेट लगाने के बाद और ऑडियो वीडियो पिन लगाने के बाद और फ्रेंड्स डीसी पावर 9 वोल्ट का यानी यहाँ पर सप्लाई देने के बाद, तब जाके आपको फ्रेंड्स स्विच पर चेक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपका जो ये शॉर्ट करते ही आ जाएगा तो आप इसको रिपेयर यानी चेंज कर लें, ये भी आपको मार्केट में 5 से 10 रुपये का मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर स्विच नहीं मिल रहा, अगर आप टेम्परेली इसको जुगाड़ करना चाह रहे हो तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे पास सैनिटाइज़र है, तो आपको करना क्या है, इसको लेना है सैनिटाइज़र, थोड़ा सा बिल्कुल इस टाइप से डाल देना है इस स्विच पर, ठीक है फ्रेंड्स। और डालने के बाद इसको इस तरह से करते रहना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप इस तरह से करोगे तो इसकी जो अंदर की पिन है वो क्लीन होकर आपस में शॉर्ट हो जाएंगी और आपका स्विच 100% काम करने लगेगा, मैंने काफ़ी किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप इसको यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब अगला जो प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इस स्विच की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, रीसेट स्विच है, इसका इतना काम नहीं होता। अब जो अगली प्रॉब्लम आती है, और फ्रेंड्स आप चाहो तो सैनिटाइज़र इस पर भी डाल सकती है, ये स्विच भी आपका काम करने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो देखो फ्रेंड्स अगली प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था वो आती है आपकी कहाँ से, आपका सब कुछ ठीक है, पावर भी आ रहा है, स्विच भी ऑन हो रहा है और लाइट भी जल रही है, कैसेट भी आपने लगा दी, उसके बाद भी क्या होगा फ्रेंड्स, टीवी पर आपका डिस्प्ले नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये प्रॉब्लम आती है आपकी यहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास कैसेट है, तो होता क्या है फ्रेंड्स, कैसेट को आपको क्लीन करना पड़ेगा। आप चाहो तो सैनिटाइज़र से कर सकते हो, इस टाइप से सैनिटाइज़र लो और थोड़ी सी जो रुई होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए सैनिटाइज़र डालना है पिन पर और इस टाइप की रुई लेनी है और इस तरह से आपको क्लीन कर लेना है अच्छे तरीके से। सैनिटाइज़र नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जो मिटाने वाली इरेज़र होती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको देखिए इरेज़र मेरे पास आ गई, इरेज़र को फ्रेंड्स इस तरह से इसकी पिनों पर हमें साफ़ करना है अच्छी तरह से, ऐसे और दूसरी तरफ भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये इसकी पिनें क्लीन हो जाएंगी, उसके बाद आपको लगा के देखना है आपके वीडियो गेम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो हमने इसको क्लीन किया और इसको फिर हमें स्विच को बंद करना है, कैसेट को वापस लगाना है इस तरह से और स्विच ऑन करना है। तो आप देख सकते हो एक बार में हमारा जो डिस्प्ले आ गया, इस तरह से आप कर सकते हो। अब एक और अगला प्रॉब्लम क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर आप मेरा डिस्प्ले तो आ गया, अगर आपका नहीं आया तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स गेम को बंद करना है, कैसेट को निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला आपको देखना है फ्रेंड्स, देखो कभी कभी होता क्या है, हम जब कैसेट निकालते लगाते हैं बार बार, तो फ्रेंड्स देखो आप इसकी एक पिन डैमेज देख रहे हो इस वाले की अंदर, इसको थोड़ा जूम करना, तो ये देखो फ्रेंड्स इसकी एक पिन जो है अंदर घुस गई है यानी अंदर साइड दब गई है। तो जिस वजह से फ्रेंड्स अगर इसकी एक भी पिन अंदर चली जाएगी तो फ्रेंड्स ये डिस्प्ले नहीं देगा। तो फ्रेंड्स आपको इसको पिन को यानी पिन की मदद से इसकी जो पत्ती है उसको बाहर निकालना है, जितनी की ये दूसरी निकली हुई है ये निकल जाती हैं पत्तियाँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद फ्रेंड्स तब भी अगर आपका डिस्प्ले नहीं आया तो आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए ब्रश में सैनिटाइज़र या तारपिन होता है, तारपिन का भी यूज़ आप कर सकते हो जो पेंट में डालने वाला आता है, इस टाइप से आपको करना है और इसकी पिनों पर अच्छी तरह से इस तरह से क्लीन करना है, ठीक है फ्रेंड्स।
मैं आपको चालू वाले वीडियो गेम पे दिखा देता हूँ करके। बिल्कुल हल्के हल्के करना है, ज़्यादा अच्छे ज़्यादा जोर लगा के नहीं। अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो फ्रेंड्स होगा क्या कि ये पिन वापस इसके अंदर साइड चली जाएंगी। तो देखो हमारा डिस्प्ले डबल से आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं अगली जो प्रॉब्लम आएगी उसे आप किस तरह से सॉल्व करोगे। हमारा देखिए फ्रेंड्स पावर भी आ गया, बटन भी काम कर रहा है, हमने कैसेट को भी क्लीन कर लिया, इसके सॉकेट को भी क्लीन कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला जो प्रॉब्लम आएगा वो हमारा आएगा फ्रेंड्स इस पिनों से। कभी कभी होता क्या है, हम पिन उल्टी सीधी लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हमने पिन भी सही लगाई है तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए एक प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। ये बड़ी सर्किट वाला है, किसी किसी में फ्रेंड्स छोटी सर्किट होती है, बाकी सब कुछ ये होता ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आपको बताऊं इस वाले कंसोल का, इसमें सिर्फ आप दो पिन देख रहे हो, इसमें फ्रेंड्स इतनी बड़ी सर्किट नहीं है, सिर्फ इसमें सिर्फ दो पिन है और डीसी वोल्ट है, बाकी ये सब कुछ आपको ये ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा इस वाले कंसोल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए होगा क्या, जब आप ये पिन लगाते हो निकालते हो तो इसके ये शोल्डर उखड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस सर्किट को अच्छे से, यहाँ भी आपको एक भी ड्राई शोल्डर दिखी या कोई भी पिन टूटी फूटी या शोल्डर उखड़ा हुआ दिखे तो आपको उसको अच्छे से शोल्डर कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो ये पिन वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स होगा क्या, कभी कभी होती ये प्रॉब्लम इसमें है कि हमारे देखिए फ्रेंड्स हमने ये भी चेक कर लिया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये चेक करने के बाद भी इसमें प्रॉब्लम आ गई, यानी हमारा डिस्प्ले नहीं आया। तो फ्रेंड्स होता ये है कि हमारी ऑडियो वीडियो केबल ही ख़राब हो जाती है फ्रेंड्स, लो कॉल होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो आपको एक बार ये चेंज करके देख लेना है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ अगर आप ये ऑडियो वीडियो केबल चेंज करके देखेंगे इतना करने के बाद, तो आपका गेम 100% वर्क करने लगेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एडाप्टर रिपेयर करना बताऊंगा फ्रेंड्स पूरा, कैसे आपको चेक करना है और किस तरह से आप इसको रिपेयर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।